मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दिल्ली से छोड़े गए पानी का असर श्री कृष्ण की नगरी में व्यापक रूप से दिखाई देने लगा। यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है और नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से किनारे रहने वाले निचले इलाकों के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और जिला प्रशासन भी यमुना में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए पूरी तरह से सजग और सतर्क है। आपको बता दें कि 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यमुना का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत टाइम के बाद में देखने को मिला है और ये नेचुरल वो है, सुंदरता है और जमुना जी मतलब अपने असली रूप में आ गई हैं। हम देखने आए, हमें भी बहुत अच्छा लगा, सभी लोग देख रहे हैं और दूसरे हम यही प्रार्थना करेंगे कि बस इतना ही रहे, अपने ज़्यादा आगे ना आए और वैसे ये बहुत अच्छी लग रही है। आपको बता दें कि मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दिल्ली से छोड़े गए पानी का असर अब भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी देखने को मिल रहा है। वहीं यमुना खतरे के निशान को अब पार कर गई है और नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से किनारे रहने वाले निचले इलाकों के लोगों में अब हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन भी यमुना में बढ़े जलस्तर को देखते हुए पूरी तरह से सजग और सतर्क है। वहीं आपको बता दें कि 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों में जो निचले इलाकों में रह रहे हैं उनमें काफी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली से छोड़े गए पानी का असर अब मथुरा में भी देखने को मिल रहा है और मथुरा में यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं या यमुना के आसपास जितने भी लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन भी यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूरी तरह से सजग और सतर्क नजर आ रहा है। बता दें कि यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को अब पार कर गया है और जिसका असर अब मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब आसपास के राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें मथुरा की तो यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसका प्रभाव अब मथुरा में भी देखने को मिल रहा है और यमुना के आसपास निचले इलाकों में जितने भी लोग रहे हैं उनके लिए अब ये परेशानी का आलम बन रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मथुरा में जिस तरीके से यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं निचले इलाकों में जो लोग हैं उनके लिए भी अब काफी परेशानी बढ़ सकती है, तो प्रशासन की ओर से इसको लेकर क्या कुछ अहम प्रबंध किए जा रहे हैं? मनीष, जिस तरीके से यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है मथुरा में और कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों के जो लोग हैं उनके लिए काफी परेशानियां बढ़ रही हैं, तो प्रशासन की ओर से इसको लेकर क्या कुछ अहम प्रबंध किए जा रहे हैं? ठीक है मनीष श्रवण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।